दोस्तों गांव में हूँ और आपका जो प्यार मिल रहा है, आपका सपोर्ट मिल रहा है, इसके लिए चैनल की तरफ से आपको बहुत 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 धन्यवाद। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पे ये तालाब है और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ मछली पालन, गांव में कैसे मछली पालते हैं। एक्चुअली मछली हर जगह एक ही तरह से पालते हैं, लेकिन गाँव में आया हूँ और यहाँ पर किस तरह से इस पर काम करते हैं लोग और किस तरह से जो है मछली पालन करते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ही ठीक से आपको दिखाऊँगा। एक एक सवाल होंगे, एक क्वेश्चन होंगे, किस तरह से कितने गहरा तालाब होना चाहिए, उसमें कितना पानी होना चाहिए, कितनी मछलियाँ होनी चाहिए, उसमें कितनी मछलियाँ आ सकती हैं, ये सारी बातें हम करेंगे। और आप हैं सर, सबसे पहले बताएं कितने दिन से आप कर रहे हैं ये? दो साल से। दो साल से कर रहे हैं। अच्छा, तालाब के बारे में बताएं, कितने बीघे में है तालाब आपका पूरा? ये टोटल जो ये सामने है जी, ये जो है ढाई ढाई बीघे का है। ये ढाई बीघे का? पाँच बीघा इधर है जी, और इस साइड में भी पाँच बीघे का। अच्छा, इधर पाँच बीघे का है, यानी दो एकड़ में आपका है तालाब, पूरा तालाब है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो इनका पूरा ये तालाब आप देख रहे हैं, इस साइड में है वहाँ पे ये, और आप इधर देखेंगे यहाँ ये दो एकड़ में तालाब है। सर एड्रेस एक बार बता दीजिए आप। जी, हमारा एड्रेस है विलेज मस्जिदिया जी, पोस्ट मदारा, डिस्ट्रिक्ट सरायबस्ती, यूपी। अपना नाम बता दें सर। तेजेश कुमार सिंह। तो आपके पास जो दो एकड़ का तालाब है लगभग, और दो एकड़ में कितने किलो मछली पड़ जाती है? मतलब 20,000 मछली। 20,000 मछली। तो दो एकड़ तालाब में आप जो है 20,000 मछलियाँ डालते हैं। और अच्छा, इनका चारा जो है कहाँ से लाते हैं? चारा तो सीपी कंपनी का हमने दिया है। अच्छा, सीपी कंपनी का, यहीं से लोकल में मिल जाता है क्या? हाँ, लोकल में भी मिल जाता है, नहीं मिलता है तो सिद्धार्थ नगर से लाना। अच्छा, कितना चारा लग जाता है इसमें? तो हमारे में लगभग 10,00,000 का चारा लग गया है। 10,00,000 का चारा लग गया। कितने दिन में तैयार होती हैं मछली? 6 महीने में तैयार होती है। 6 महीने में? 6 महीने में 10,00,000 का चारा जी लग जाता है जी। अच्छा, ये जो बच्चे होते हैं ये कहाँ से लेते हैं? ये इसकी हैचरी है, मतलब बच्चे लाते हैं जीरा साइज का जी। तो किलो के हिसाब से देते होंगे? हाँ, किलो। अच्छा, कितने रुपए किलो देते हैं? ये पीस के हिसाब से देते हैं। अच्छा, पीस के हिसाब देते हैं। कितने रुपए पीस लगभग पड़ता है? लगभग 2 रुपए के आसपास। 2 रुपए के आसपास एक पीस पड़ता है। तो साइज के ऊपर है? साइज के ऊपर है। 5 से 6 महीने में जो है मछलियाँ तैयार होती हैं, और जो एक मछली होती है छोटी मछली वो 2 रुपए के हिसाब से मिलती है, और 6 महीने में जो है तैयार होता है। देसी मछली उस वाले में है क्या? जी हाँ, देसी मछली है वहाँ पर उस तालाब में। और इसमें आप पंगेसिस डालते हैं जिसको बेकरी मछली कहते हैं इन तालाबों में, 6 महीने में तैयार होती है। अच्छा, तालाब की गहराई क्या होनी चाहिए? 8 फीट। 8 फीट? 8 फीट ऊपर से यहाँ से मिला के जी, जी, जी। जो मिट्टी आपने बगल यहाँ बंधे से मिला के 8 फीट होना चाहिए। अच्छा, इसमें कब कब पानी चलाना पड़ता है? अभी पानी के लेवल कितना है? अभी तो होगा 5 फीट। 5 फीट? 5 फीट ठीक रहता है क्या? नहीं, ठीक नहीं रहता। इस समय मछलियाँ ख़त्म हो गई हैं, हमने मछली बेच लिया जी। पंगेसियस के बारे में आप थोड़ा सा जानकारी दे दें दोस्तों को, ताकि पंगेसियस मछली मतलब जल्दी मत तैयार होने वाली मछली है जी, और ये जो है बिकने में भी आसान है। अच्छा, बिक जाते हैं? हाँ, यही लोकल मार्केट में बिक जाते हैं? लोकल में बहुत कस्टमर हैं इसके लेने वाले जी। और ये मछलियाँ जाड़े में मतलब इनके लिए खतरा रहता है। अच्छा, जाड़े में क्या दिक्कत होती है उसको ठीक से? जाड़े में इनकी जो चर्बी होती है वो जम जाती है, जिससे मर जाती है जी। तो इसलिए हमने जाड़े के पहले ही जी, जाड़ा शुरू होने के पहले ही इनको सब सेल कर। अच्छा, जाड़े में कोई उपाय होगा कि ये मतलब? उपाय है इसमें, पानी मतलब चलाते रहिए जी, 10-12 घंटे हमेशा ट्यूबवेल चले। लेकिन अब लाइट वाइट की मतलब प्रॉब्लम है, कभी लाइट हो सकता है ना है, किसी दिन लाइट ख़राब हो जाए जी जी, तो मरने का खतरा रहेगा, इसलिए हमने इसको सेल। अच्छा, जाड़े में कितने महीने आप इसमें बच्चे नहीं डालते हैं पंगेसिस के? जाड़े में अब 3 महीने नहीं डाले। 3 महीने नहीं डाले? दिसंबर, जनवरी, फरवरी। अच्छा, 6 महीने में आपने बताया 5-6 महीने में तैयार होते हैं, तो 6 महीने में कितने किलो के हो जाते हैं? लगभग 800 से 1 किलो के बीच में,
800 ग्राम से जी 1 किलो के बीच में हो जाएगी। तो 6 महीने में जो है ये जो मछलियाँ होती हैं वो 800 से 1 किलो के बीच में, यानी 800 ग्राम से 1 किलो तक हो जाती हैं। और कैसे बिकती हैं, कितने रुपए किलो बिक जाती हैं? ये रेट तो इस बार 110 से 110 रुपए 110 रुपए 110 रुपए के हिसाब से फिर ये बिकती हैं। अच्छा, मान लीजिए जैसे आपके पास 2 एकड़ है, 1 एकड़ के हिसाब से आप बता दीजिए, जैसे 1 एकड़ में कितने कुंटल मछलियाँ निकल आती हैं? 1 एकड़ में लगभग 125 कुंटल मछली 125 कुंटल मछली। तो अगर 2 एकड़ है तो 250 कुंटल मछली तैयार होती हैं 6 महीने में। और आपने जो है अपने घर के पास ही में एक तालाब बनवाया हुआ है। और अच्छा, इनको कोई दिक्कत होती है जैसे मछलियों को? नहीं, कोई विशेष दिक्कत नहीं होती जी। पानी वानी कभी कभी बीच बीच में मतलब दवा वा डालते रहिए, चूना वूना डालते। अच्छा, इसमें दवा भी पड़ता है? दवा में कितने? नाम मात्र दवा। अच्छा, दवा में कितना खर्चा आ जाता है लगभग 6 महीने में पूरा? कहीं आ जाएगा 2-3 हज़ार का। 2-3 हज़ार का। जब आपने तालाब बनवाया तो इसको जेसीबी से खुदाया होगा? नहीं जी, ये ट्रैक्टर से खुदवाया। अच्छा, ट्रैक्टर से खुदवाया है। कितना खर्चा लग गया था? 1 एकड़ में लगभग 48 हज़ार लग गया। 48 हज़ार 1 एकड़ का अगर आप तालाब बनवाते हैं तो उसमें लगभग 50 हज़ार 48 हज़ार आप बताएं, 50 हज़ार मान के चलिए, 50 हज़ार का खर्चा लगता है। और उसकी जो गहराई होती है वो 8 फीट होनी चाहिए ऊपर से, यहाँ से आप यहाँ ऊपर देख रहे हैं, यहाँ से तालाब की जो गहराई होनी चाहिए वो 8 फीट। और अभी जो इसमें पानी देख रहे हैं केवल 5 फीट है। तो अभी जो है आपके तालाब में देसी मछलियाँ हैं, कब आप मछली डालने वाले हैं इसमें? अब फरवरी लास्ट में डालेंगे जी, लास्ट फरवरी में। अभी तो इसका जीरा साइज बच्चा डाला जाएगा, जो पहले तालाब आपको दिखाया है उधर सामने जी जी, उसमें बच्चा डाला जाएगा जी। इसके बाद जब थोड़ा 100-150 ग्राम की हो जाएंगे तो उनको फिर तालाबों में मतलब ट्रांसफ़र किया जाएगा। अच्छा, फिर उस तालाब से आप दूसरे तालाब में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इस तरह से दोस्तों जो है आप भी अगर मछली पालन करना चाहते हैं तो जो भी जानकारी थी मैंने आपको पूरी जानकारी बताई। और आप कमेंट भी कर सकते हैं, कमेंट के माध्यम से जो भी आप सवाल पूछेंगे उसका मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। और जब इसमें बच्चे पढ़ेंगे तो मैं वीडियो शूट के लिए ज़रूर आऊँगा, किस तरह से बच्चे डालते हैं और कैसे उनकी देख रेख की जाती है, ये सारी जानकारी होगी वीडियो में जी। इस मतलब दाना इसका फीट जो है काफ़ी मतलब महंगा है, इसलिए इसमें जो है प्रॉफिट थोड़ा कम हो जाती है। अगर दाने का कोई सब्स्टिट्यूट मिल जाए जी तो इसमें इससे अच्छा और किसी चीज़ में प्रॉफिट नहीं है, दाना महंगा मिलता जी दाना। अच्छा, एक बोरी कैसे आते हैं, 50 किलो के होते हैं? हाँ, उसमें मतलब 28% प्रोटीन का जो है मतलब वो लगभग 1560-1570 रुपये में इस तरह मिला है। कितने किलो होते हैं उसमें? 40 केजी। अच्छा, 40 केजी होते हैं, 1560 की बोरी जी जी। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। जो भी जानकारी थी मैंने आपको पूरी देने की कोशिश की, अगर कोई जानकारी छूटा होगा तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मैं ऐसा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत 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 धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।